आपको क्या लगता है कि दुनिया के 10 अलग अलग देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले आर्टिस्ट की लाइफस्टाइल कैसे होगी? जिसको डॉक्टर की उपाधि मिली हो, भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड मिले हो, क्या लगता है उसके पास कितनी गाड़ियां, कितने बंगले और कितने नौकर होंगे? अगर मैं कहूं कि देश के 3 सबसे बड़े सम्मान और दुनिया के 10 ऐसे देशों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाली इस महिला के पास रहने के लिए मिट्टी का घर तक नहीं था और वो झोपड़ी में रहा करती थी, बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन लिए सिर्फ पंडवानी को सुनकर ही बिना पढ़े हजारों स्टेजेस परफॉर्म करने वाली डॉक्टर तीजन बाई जी की स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखेगा, ऐसी ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ कि दिमाग चकरा जाएगा और शायद गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। तो शुरू से शुरू की जाए तो डॉक्टर तीजन बाई जी का जन्म 8 अगस्त 1956 को भिलाई से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव के न्यारी में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार से तीजन जी झोपड़ी में रहा करती थी और 12 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई, पर कभी भी अपने ससुराल नहीं गई और कुछ सालों बाद उनका डिवोर्स हो गया। जब वो 12 साल की थी तब पहली बार अपने नाना को उन्होंने पंडवानी गाते सुना और द्रौपदी की हरण जो उनके नाना ने गाया था उनके दिमाग में बैठ चुका था और वो छुप छुप कर पंडवानी सुना करती थी। और कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी पंडवानी को उन्होंने मुखाग्र याद कर लिया और एक दिन उनके नाना ने उनको पंडवानी छुप छुप कर सुनते देख लिया और फिर उन्होंने उनको आराम से बैठकर सुनने की परमिशन दे दी। कुछ टाइम बाद उन्होंने तीजन जी को पंडवानी गाने के लिए स्टेज पर बुलाया और फिर कुछ दिनों बाद वो स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दिया दुर्ग जिले के छोटे से गाँव चंदखुरी में और उसके लिए उनको 10 रुपए मिले थे। जैसे ही ये बात उनके घर में उनकी माँ को पता चली कि उनकी बेटी छुप छुप कर पंडवानी गाने जाया करती है तो उनको उनकी मम्मी से बहुत मार पड़ी और नाना यानी अपने चाचा को भी उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई और उस रात उनको खाना भी नहीं मिला। और उनकी माँ उनको समझाया करती थी कि ये सब लड़कों के काम होते हैं, ये पंडवानी गाना लड़कियों का काम नहीं है, पर तीजन बाई कहाँ मानने वालों में से थी और फिर वो छुप छुप कर रात में रिहर्सल के लिए जाया करती थी। वो दिन में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना, उन्हें खाना खिलाना और घर की साफ सफाई करना किया करती थी और जैसे ही शाम होती थी वो खाना खाकर अपने नाना के पास जाया करती थी और रात में चुपके से आकर झोपड़ी में सो जाया करती थी। और फिर ये बात उनकी माँ को पता चल गई और उन्होंने उनको खूब मारा। ये अंतिम समय था, उन्होंने पंडवानी और अपने परिवार के बीच में पंडवानी को चुना और महज 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पड़ोस के गांव में एक स्कूल में अपने कुछ साथियों के साथ रहने लगी। यहाँ वो झाड़ू बनाना और पत्तों से पत्तल जैसी चीजें बनाकर एक समूह में रहा करती थी और अपनी स्टेज प्रैक्टिसेस किया करती थी। शायद आपको ना पता हो तो पंडवानी की 2 शैलियाँ होती हैं। तीजन बाई की वेदमती शैली में गाती थी और उनके एक हाथ में तंबूरा होता था। पंडवानी का मतलब होता है पांडवों की गाथाएं, जिसमें अलग अलग कथाओं का वर्णन होता है, जैसे द्रौपदी की हरण, दुशासन वध या महाभारत युद्ध। उनके एक्सप्रेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल इतने जबरदस्त होते थे कि किसी का भी दिल जीत लेती थी। ऐसे ही पास के एक गाँव में एक आदमी ने जब उनको पंडवानी गाते देखा तो उस गांव के मालगुजार यानी उस समय के बहुत पैसे वाले आदमी को बताया और जब मालगुजार ने उन्हें सुना तो जैसे वे उनसे इम्प्रेस ही हो गए और उनके लिए राशन और कुछ खर्चों का प्रबंध किया और ऐसे अब वो फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन पे पंडवानी गाया करती थी। पर अभी भी उनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट नहीं आया था। वे कभी कभी अलग अलग राज्यों में भी पंडवानी गाने जाया करती थी और ऐसे ही एक बार हबीब तनवीर जी की नजर में तीजन जी पड़ी और उन्होंने उनको उस समय के पीएम इंदिरा जी के सामने परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। शायद हबीब तनवीर जी के बारे में आपको ना पता हो तो वो एक राइटर थे और थिएटर की स्टोरीज लिखा करते थे। यही तीजन जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा और इसके बाद ही उन्होंने देश के और दूसरे हिस्सों में परफॉर्म किया और यहीं से उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ और फिर उन्होंने दूसरे बड़े देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और 10 ऐसे देशों में एज अ कल्चरल एम्बेसडर ट्रैवल किया और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो मिल रहे थे पर पैसे अभी भी ना के बराबर थे। वो अभी भी उस स्कूल में काम करती थी, उसी जमीन पर सोया करती थी और उसी झोपड़ी में रहा करती थी और उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वो भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी पंडवानी गाया करती थी और ऐसे 8 सालों बाद फाइनली उनको 1988 में पहला पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके गांव में ये बात पता चली तो लोगों ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और बहुत से राशन और अपनी तरफ से जितनी मदद बन पड़ी उतना किया और उस समय पैसों की वैल्यू उतनी नहीं होती थी तो धान के बदले लोग काम किया करते थे और उसी समय उन्होंने अपना पहला मिट्टी का घर धान के कुछ बोरी के बदले बनवाया। यहाँ से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी थी और लोग अब उनको जानने लगे थे। अवार्ड का सिलसिला खत्म नहीं हुआ
हुआ और इसी कड़ी में उनको 1995 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2003 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी से ऑनरेबल डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि भी मिली। तब उनका नाम श्रीमती तीजनबाई से डॉक्टर तीजनबाई हो गया। 2003 में वहीं उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2016 में M.S. सुब्लक्ष्मी सेंचुरी अवार्ड, 2018 में फुकुका प्राइज और फाइनली 2019 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी बीच 2019 में सुर्खियां चल रही थी कि उन पर एक मूवी बनने वाली है जिसमें डॉक्टर तीजनबाई जी का रोल बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस विद्या बालन जी निभा रही हैं और इसी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रहे तीजनबाई जी के नाना उनका रोल श्रीमान अमिताभ बच्चन जी निभाने वाले हैं, जो कि वाकई एक बहुत ही गर्व की बात है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और मेरे ख्याल से तीजन जी वो पहली महिला हैं जिन पर छत्तीसगढ़ में कोई बायोपिक बनने जा रही है। पर शायद इससे भी ज्यादा कुछ गर्व की बात हो सकती है, वो ये है कि तीजन जी को भारत के सभी सर्वोच्च पुरस्कार दिए जा चुके हैं सिवाय भारत रत्न के, और अभी तक छत्तीसगढ़ से किसी को भी भारत रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। छोटे से गांव की एक ऐसी महिला जो बहुत ही गरीबी से उठकर छत्तीसगढ़ को एक ऐसे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ की पहली भारत रत्न से सम्मानित महिला बनने का उनको पूरा अधिकार है और छत्तीसगढ़ के नाम पर पहला भारत रत्न उन्हें ही दिया जाना चाहिए। और हमारा ये छत्तीसगढ़ में भारत रत्न लाने का सपना केवल आप पूरा कर सकते हैं। यदि आप भी दिल से इस बात को चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आने वाले चुनाव में अगला मुद्दा बन जाए और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी इस पर थोड़ा प्रयास करे, और शायद तब जाकर ही हम अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।